खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमीरपुर पहुंचे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक की है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कोविड-19 से दिवंगत हुए लोगों के अनाथ बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट के सभागार में संवाद किया है। इस दौरान पहले बच्चों को मिष्ठान और उपहार भेंट किए हैं और इस बीच डिप्टी सीएम ने प्रत्येक अधिकारी कुछ नया और अच्छा काम करें ताकि वह प्रदेश और देश के लिए मिसाल बन सके। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन धरातल पर उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब को छोड़ेगी नहीं और माफियाओं को छोड़ेगी नहीं। देखिए, अमृत सरोवर योजना बहुत दूरगामी योजना है और बहुत महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में हर लोकसभा क्षेत्र में 75 अमृत सरोवर बनाने का आह्वान किया और उसके क्रम में हर जिले में कहा किया था और उसके क्रम में यह निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। आज जो छठ पूजा हो रही पूर्वांचल की तरफ, आप समझिए कि जो अमृत सरोवर बने हैं वहाँ पर भीड़ लगी हुई है और ये सरोवर पहले बनते थे लेकिन बाद में लोग उसको कैप्चर कर लेते थे, अवैध कब्जे कर लेते थे। उनको भी मैंने आज कहा कि अमृत सरोवर जो बन गए उसके बाहर की कोई भूमि अगर वह सरोवर की तालाब की है तो उसको नाप करके चिन्हित कराएंगे, चक मार्गों को खाली कराएंगे, जो अवैध कब्जे हैं उनको हटवाएंगे, माफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं। यह भी निर्देश दिया गया है और बहुत सारा डिटेल जो आज बैठक में कहा गया है अभी सूचना अधिकारी उसका पूरा विवरण बना करके आपको रिलीज दे देंगे।